टर्नरी ऑपरेटर तक पढ़ लिया था, और हमने ये भी प्लान कर लिया था कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़े नहीं है अभी तक, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे और फिर जितना टाइम बच गया एरे पढ़ेंगे और साथ में इसके फॉर लूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर जनाब क्या है, सबसे पहला सवाल ये। जैसे कि अब एक नाम है, एक लॉजिकल ऑपरेटर एक नाम है, तो व्हाट डज इट मीन बाय लॉजिक, व्हाट इज लॉजिक। ये कह रहा है लॉजिकल ऑपरेटर है, एक तो होता है ना अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक्स तो ये है कि किसी चीज़ को प्लस माइनस कर दिया जाए। मैंने आपसे कुछ पैसे लिए, आपको कुछ दिए, या मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 10 रुपए की कोई चीज़ खरीद ली, तो दिस इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक्स। ठीक है, कि लेन देन जो है, लेन देन की हिसाब किताब जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, उसके बाद फिर कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देख लिया था। तो कंपैरिजन का मतलब क्या था, कि अगर मेरे पास 10 रुपये आपके पास 20 रुपये, तो ये कंपैरिजन है कि कौन ज़्यादा कौन बड़ा। ठीक है, इस कंपैरिजन ऑपरेटर ने बड़े सितम ढाए हैं कि एक लांडी में रहता है, दूसरा नाजाबाद में, तो एक कंपैरिजन है वो। ठीक है, दूसरा कि किसकी सैलरी 50,000 है, किसकी सैलरी 40,000 है, तो एक कौन, तो इसने बड़े सितम भी ढाए हैं ज़माने में, लेकिन बहुत सारे इसकी वजह से ब्लेसिंग्स भी हमें मिली हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की वजह से। कि जैसे जलजला आया तो कितने रेक्टर स्केल का आया, उसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए, तो हम कंपेयर करते हैं कि अच्छा 8 अक्टूबर वाले से ये कम है, ये कितना कम है, तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली हैं। इसी तरह आपके कंप्यूटर में रैम कितनी है, कितनी 8 GB है, कितनी होनी चाहिए थी, क्या जितनी चाहिए उससे कम है या ज़्यादा है, तो आप उसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो ये कंपैरिजन ने बड़ी ब्लेसिंग्स भी दी हैं हमें। वेल, तो हमने क्या देखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमें अर्थमेटिक्स का पता है, कंपैरिजन तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कज़नों से कंपेयर किया जाता है आपको कि फलां कज़न को देखो अच्छा, तो ये लॉजिक क्या चीज़ है भाई, कौन ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है, अपना ओपिनियन दीजिए आप। आर्ग्यूमेंट, अच्छा गूगल भी कर सकते हैं आप भाई, इधर आपके सामने हाँ एडिशन चेक करना, नहीं कंडीशन तो ये चेक हो गई ना, मतलब क्या चेक करेंगे आपके, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू छोटी है या बड़ी है, वो तो कंपैरिजन में लाया कर गया। तो लॉजिकल ऑपरेटर, अभी ऑपरेटर को भूल जाओ, अभी मैं ये स्क्रीन भी हटा देता हूँ आपके सामने से, अभी मैंने वो स्क्रीन भी हटा दी। ठीक है, अभी मुझे प्रोग्रामिंग को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाओ, और मुझे ये बताओ कि व्हाट इज लॉजिक, व्हाट डू यू थिंक इज लॉजिक, या लॉजिक का जब आपके सामने जिक्र किया जाता है तो आपके जहन में क्या बात आती है, या लॉजिक की क्या डेफिनेशन है, गूगल करके भी आप देख सकते हैं, इंटरनेट आपके सामने, और अपना ज़रा ओपिनियन शेयर करें कि व्हाट इज, क्योंकि हम ये क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, हमारे एक बड़े अच्छे टीचर हैं, वो अक्सर ये जिक्र करते थे कि नाम में सारी कहानी छुपी हुई होती है, अगर नाम पे आपने गौर कर लिया ना तो आपके लिए मसले हल हो जाएंगे सारे। तो इसलिए कोशिश करते हैं हम कि नाम में इस क्लास पे थोड़ा सा गौर करें शुरू में, उसके बाद हम टॉपिक के अंदर दाखिल हों। तो जल्दी से सब लोग जो है ना सर्च करें गूगल पे कि लॉजिक क्या होती है, व्हाट इज लॉजिक। रीजनिंग, रीजन और आइडियाज, ये लॉजिक है। सिंबल्स और वर्ड्स जो है वो लॉजिक है। अच्छा, मैं सवाल को थोड़ा आसान कर देता हूँ, रियल लाइफ में लॉजिक कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन लेने में, नहीं जैसे मैंने जिक्र किया ना कि जैसे एक कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, किसी बंदे की इंसल्ट करने के लिए, कि फला कजन देखते रहा भाई कितना कमा रहा है, पढ़ भी रहा है वो, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, तो पूरे दिन बैठा रहा है तो कंपैरिजन, ये रियल लाइफ में कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना, या हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो एक फला गाड़ी जो है वो पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करती है, फला कम करती है, तो कंपैरिजन होता है, दो गाड़ियों का कंपैरिजन होता है, मोबाइल के दो अलग अलग मॉडल्स का कंपैरिजन करते हैं। तो रियल लाइफ में हम लॉजिक कहाँ इस्तेमाल करते हैं,
रियल लाइफ में व्हाट इज द पॉइंट वेयर वी गेट लॉजिकल? चलो यहाँ पे भी मैं भी गूगल करता हूँ, देखते हैं क्या निकलता है। इन्होंने बोला, लॉजिक मैंने लिखा है ना, तो इसने क्या बोला, लॉजिक एक फील्ड ऑफ स्टडी है। लॉजिक क्या है? एक फील्ड ऑफ स्टडी है। अच्छा, क्या है ये फील्ड ऑफ स्टडी? लॉजिक इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग और गुड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इट इज ऑफन डिफाइंड इन अ मोर नैरो सेंस एज द साइंस ऑफ डिडक्टिवली वैलिड, बड़ा मुश्किल सा इन्होंने कुछ लिखा है, लॉजिकल ट्रूथ। तो एक आपको पता है ट्रूथ की कितनी किस्में होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रूथ? जी दो टाइप, कौन कौन सी? नहीं, रियल लाइफ में जो ट्रूथ होता है, सच जो होता है, ऐसे इससे अलग से बता रहा हूँ आपको मैं, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इसने बताया ना कि लॉजिकल ट्रूथ है, किसने बता दिया, तो ट्रूथ की और भी तो किस्में होती होंगी ना। तो बेसिकली जो ट्रूथ है वो तीन किस्म का होता है। नंबर एक होता है पर्सनल ट्रूथ। पर्सनल ट्रूथ वो होता है जो आपके लिए आप मानते हैं कि ये सच है, रिगार्डलेस कि वो सच हो या नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं अभी एज अ साइंटिस्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये साइंस की ज़ुबान बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी बातों को कोट मत कीजिएगा, ये मैं साइंस की ज़ुबान बोल रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अल्लाह एक है, जो रिलीजन है ना, हर किसी का अपना जो रिलीजन है वो उसका पर्सनल ट्रूथ है, रिगार्डलेस कि वो ट्रू हो या नहीं हो, ठीक है। ये मैं साइंस की ज़ुबान बोल रहा हूँ, अभी एक मुसलमान की ज़ुबान नहीं बोल रहा मैं फिलहाल, तो मेरी बात को कोट मत कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह एक होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ वो होता है कि वो इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो ट्रू है, रिगार्डलेस कि आप उसको ट्रू माने या ना माने, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होता है। मिसाल के तौर पर आग जल रही है, आप उसमें हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, अब आप इस बात को माने या ना माने, हाथ जलेगा, ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, इस्टेब्लिश हो चुका है। या अगर मैं ग्लास यहाँ से छोड़ूंगा नीचे तो वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये इस्टेब्लिश है। अब आप नहीं माने वो बात अलग है, लेकिन ये चीज़ होगी, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। तीसरा होता है पॉलिटिकल ट्रूथ। पॉलिटिकल ट्रूथ ये होता है कि वो असल में सच होता नहीं है, लेकिन लोग उसको इतना रिपीट करते हैं ना कि दुनिया उसको सच मानने लगती है। मिसाल के तौर पे कि रात को दरख्त के नीचे सोएंगे तो भूत पकड़ लेगा, ठीक है, ऐसा है नहीं, अब मुझे नहीं पता ऐसा हो सकता है, हो भी देखो, अब मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ इसको डिनाई करने में, क्योंकि दिस इज़ अ पॉलिटिकल ट्रूथ, देखिए मैं भी इसको डिनाई करने में थोड़ा रिलेक्टेंट हो रहा हूँ कि क्या पता। वेल, तो साइंस बोलती है कि यार ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कोई चक्कर है, उससे मर जाते हैं बंदे दरख्त के नीचे सोने से, लेकिन भूत वाला कोई एविडेंस मिला नहीं आज तक। इसी तरह काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ इंसिडेंट हो जाएगा, तो ऐसा लोग रिपीट करते हैं बार 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 बार, तो लोग उसको ट्रू मानने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं बतौर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देखते रहते हो, तो तीन तरह के ट्रूथ होते हैं। अच्छा, तो अब उस ट्रूथ को जो है ना साबित कैसे करें? साबित करने के ना दो तरीके हैं, जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो होता है, जो इस्टेब्लिश हुई हुई चीज़ है। अच्छा, बाय द वे, हर बंदा ना, हर बंदा अपनी बात को ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बताता है। मिसाल के तौर पे जो बंदे जैसे तोहम परस्त होते हैं ना, यार बिल्ली काटेगी तो ये हो जाएगा, उनको पता है, उनको बोला है चप्पल उल्टी तो ये हो जाएगा, या कौवा बैठा है तो मेहमान आएंगे, तो मतलब उसके जोम में वो उसको ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बता रहा होता है कि अबे भाई तुम मानो या नहीं मानो ये होगा, ये होता है, ठीक है। मतलब हर किसी के ख्याल में जो सच वो मान रहा है वो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मानता है हर बंदा, ठीक है। लेकिन असल में वो क्या है? असल में वो तीन कैटेगरी में लाया कर रहा होता है। और इसको अब कौन ये डिसाइड करेगा, कौन ये डिसाइड करेगा कि मैं ये मान रहा हूँ कि कौवा बैठेगा तो मेहमान आएगा, कौन ये डिसाइड करेगा कि वो कौन से कैटेगरी में लाया कर रहा है? क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव है, वो तो होके रहेगा, अब कौन ये डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी लॉजिक।
मिसाल के तौर पे उसको बार बार रिपीट किया जाएगा, कव्वे को पकड़ के बिठा देंगे वहाँ पे, एक्सपेरिमेंट होगा। या जैसे ग्लास है, मैं कह रहा हूँ ग्लास मैं छोड़ूंगा, ग्लास तो नीचे जाएगा, मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, लेकिन लोग कैसे मानेंगे, क्या इसका क्राइटेरिया होगा? तो मैं क्या करूँगा, एक्सपेरिमेंट्स करूँगा उसके एविडेंस इकट्ठे करूँगा, कि अच्छा यार ग्लास छूटेगा तो या वाकई नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं अलग अलग जगहों पे दुनिया के अलग अलग हिस्से में जाके उसको ग्लास को छोड़ के देखूंगा, अच्छा नीचे जा रहा है किस स्पीड से जा रहा है। तो बहरहाल वो फिर एक इस्टेब्लिश हो जाएगा। कोई बंदा सामने से आएगा, वो कहेगा यार ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, मैं इसको गलत साबित करूंगा, वो भी उस एक्सपेरिमेंट को करे और वो भी बाद में बोले कि नहीं यार इसने सही बोला था, फिर वो इस्टेब्लिश होता है। साइंस की नज़र में, जो इस्टेब्लिश साइंस है उसकी नज़र में, ये जो मेथड है ना, ये वाहिद मेथड है जो क्या होता है, किसी भी चीज़ को साबित करने का एक वाहिद मेथड है। मिसाल के तौर पे आइंस्टाइन ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन साइंस उसको क्या बोलता है, आइंस्टाइन की थ्योरी है, दिस इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ सो फार, थ्योरी है वो, बातें हैं, बहुत सारी गलत भी साबित हो गई हैं, एक दो छोटी मोटी कोई होंगी, और मुझे नहीं पता, मैं इतना साइंस का बंदा नहीं हूँ या मैं फिज़िक्स से नहीं हूँ तो मुझे इतना नहीं पता, तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी साबित हो गई हैं। मिसाल के तौर पे जो अभी क्वांटम मैकेनिक्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अब डिस्कवर हुई है जाके, लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जो आइंस्टाइन था, अभी ये न्यूटेनियन दौर चल रहा है ना हमारा, तो न्यूटन वगैरह के टाइम पे वो मानते थे कि क्लासिक मैकेनिक्स को मानते थे, क्लासिक मैकेनिक्स जो हमने पढ़ी है स्कूलों में, कि एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन घूमता है, उसकी एक स्पीड होती है, उस पर चार्ज होता है, तो उस चार्ज के हिसाब से वो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। अब इन्होंने बोला कि यार वो तो किस तरह से घूमता है पता ही नहीं हमें, वो डबल डबल घूम रहा होता है और उसको चेक भी नहीं कर सकते, जब चेक करते हैं तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, पिवट हो जाता है। फिर वो टेंगलमेंट का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में, दो एटम्स टेंगल हो जाते हैं, वो लाइट ईयर्स भी दूर चले जाए ना तो एक को चेंज करो तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज होता है, क्या कनेक्शन है बीच में नहीं पता। क्वांटम मैकेनिक्स ये डिस्कवर हुई है कि इस तरह की कुछ होती है चीज़, अब वो कैसे हो रही है वो पता नहीं है किसी को बाय द वे। वेल, तो ये थोड़ी सी हमने साइड की बात की। तो लॉजिक जो है ना, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं हम लॉजिक इस्तेमाल, हम ये कहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जमीन के अंदर ना ग्रेविटी है, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है पूरा हमारा, ये मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ आपको, सही है? जब मेरे पहले जुमले में हो सकता है आपको लगेगा यार क्या बकवास बात की, लेकिन फिर उसकी जब लॉजिक्स दूंगा तो आपको मेक सेंस लगेगा, ठीक है? एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मैग्नेट सब लोगों ने देखा हुआ है आपने, मैग्नेट किस किस चीज़ को अट्रैक्ट करता है? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ प्लास्टिक को भी करता है, नॉनसेंस लग रही है बात, लकड़ी को भी करता है, पत्थर को भी करता है, मैग्नेट पत्थर को भी अट्रैक्ट करता है, सब चीज़ों को करता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना स्ट्रांग है मैग्नेट, जितना स्ट्रांग होगा ना तो फिर वो प्लास्टिक को, शीशे को, पानी तक को करेगा, पानी को अट्रैक्ट करते हुए देखा है मैग्नेट को कभी? कहाँ देखा? अब कौन से एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या किया था उन्होंने ऐसा? वेल, पानी में कुछ मिला दिया होगा उन्होंने, इसलिए अट्रैक्ट कर रहा होगा, वरना आम तौर पे अगर आपके पास जो हार्ड ड्राइव के अंदर से मैग्नेट निकलता है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, क्योंकि हम छोटे छोटे, मेरा बचपन से काम ये रहा है कि जो भी चीज़ मेरे पास आई उसको खोल दो, स्क्रू नहीं मिला तो बालपिन से खोल दो। मुझे बचपन में मेरे बर्थडे पे अगर मुझे कोई खिलौना विलौना ला के देता था ना कोई रिश्तेदार, तो मेरी अम्मी उसको मेरे से लेके वापस कर देती थी कि इसको कुछ और दो, ये इसको खोल देगा, और मैं खोल देता था। घड़ी, कोई घर की मेरे घड़ी मेरे से बची भी नहीं थी, सारी घड़ियों के मैंने स्क्रू खोले हुए होते थे, सेल निकाल लेता था घड़ी से, मैं सेल निकाल के अपने एक्सपेरिमेंट चल रहे होते थे मेरे। अगर मुझे किसी ने कोई गाड़ी दी है जो बैटरी से आगे पीछे होती है, तो मेरे को वो गाड़ी नहीं देखनी है, मेरे को देखना है इसके अंदर क्या है, तो मैं उसमें से सब निकाल लेता था। तो हार्ड ड्राइव भी जब मेरे पास पहली दफ़ा आई कंप्यूटर की दुकान पर, मैं 8th क्लास में जब था, तो कंप्यूटर की दुकान पर मैं ऐसी जॉब पे लगा अपनी मर्ज़ी से, मतलब घर वालों ने मेरे नहीं बोला था, लेकिन मेरे को करना था, मतलब सदर में जॉब करने वाला बंदा मेरी नज़र में बिल गेट्स का भी बाप था उस टाइम, यार सदर में जॉब करता है मतलब लेवल यार, क्योंकि सदर में इतने कंप्यूटर होते थे, हर तरफ कंप्यूटर, पूरे पूरे कंटेनर उतर रहे हैं कंप्यूटर के, तो
आई वॉज वेरी फैसिनेटेड टू दिस फैक्ट कि यार इतने सारे कंप्यूटर, तो मतलब वहाँ काम करने का एक अपना ही लेवल था। तो वहाँ लग गया काम पर, तो वहाँ हमारा वास्ता पड़ा हार्ड ड्राइव से। वहाँ हार्ड ड्राइव के मैग्नेट देखे हमने, तो वो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट होता है, तो मेरे पास बहुत सारे जमा कर लिए थे मैंने। और उसके अब अलग उसके सीन है, वो बाद में कभी बताऊँगा कि उससे क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा वेल, तो वो पॉइंट पर रही कि वो सबसे स्ट्रांग मैग्नेट अभी तक जो मैंने देखा है वो हार्ड ड्राइव से निकलने वाला है। वो पानी को अट्रैक्ट नहीं करता, वो लकड़ी को अट्रैक्ट नहीं करता है, वो प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं करता है। अब इस बात को प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो मैं कोई ऐसा मैग्नेट ला के दिखाऊँ यहाँ पे जो पानी को अट्रैक्ट करता हो या प्लास्टिक को अट्रैक्ट करता हो, या तो मैं कोई ऐसी लॉजिक पेश करूँ जिससे आप सब कन्विंस हो जाए। तो मेरा ख्याल है लॉजिक पेश करना यहाँ ज़्यादा बेहतर है। मैग्नेट तो ऐसा मैंने खुद भी कभी नहीं देखा। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है कि अर्थ जो है, अर्थ का जो क्रस्ट है, जो सेंटर है इसका, वो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है जिसकी वजह से ये फ्लोट करता है सब जगह पे। और उसका एविडेंस भी है, ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बन चुका है, क्योंकि ग्लास को छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? ग्रेविटी की वजह से जा रहा है। ऐसा एस्टैब्लिश है, साइंस मानती है, ऐसा लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रूव किया है। तो ज़मीन मैग्नेट है, तो सिर्फ लोहा नीचे जाना चाहिए ना। मैं लोहे को छोड़ूं तो नीचे जाके मैग्नेट में चिपक गया, समझ में आ गया। पानी छोड़ता हूँ वो भी नीचे जाता है, लकड़ी की कोई चीज़ होती है वो भी नीचे चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़मीन मैग्नेट है ना, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है तो नीचे जा रहा है। तो या तो ये बात सही है कि मैग्नेट लकड़ी और पानी को और प्लास्टिक को अट्रैक्ट करता है, या तो ये बात सही है, ये लॉजिक है ये, या तो ये बात सही है कि मैग्नेट अगर स्ट्रांग इनफ हो तो वो लकड़ी को और शीशे को और पानी को भी अट्रैक्ट कर लेता है, या तो मैग्नेट सिरे से है ही नहीं है, कोई और चक्कर है। अच्छा, साइंस जो है ना, अभी हम जिस दुनिया, जिस दौर में जी रहे हैं, ये है साइंस का दौर। इससे पहले फ़िलासफ़ी का दौर था। फ़िलासफ़ी के दौर में लॉजिक की बहुत इंपॉर्टेंस थी। आप इमेजिन पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लोगों ने इस लॉजिक के ज़रिए, जो मुसलमान साइंटिस्ट हैं, वो लॉजिक्स का दौर था वो, और मुसलमानों ने ही लॉजिक को साइंस में कन्वर्ट किया कि नहीं यार प्रूफ करो इसको, सिर्फ बातों से। जैसे मैंने बातें कर दी ना, इतनी लंबी बात कर दी मैंने कि या तो मैग्नेट है या तो है ही नहीं मैग्नेट। तो मुसलमानों ने, मुसलमान ही थे वो जिन्होंने बोला, मुस्लिम साइंटिस्ट, उन्होंने बोला नहीं भाई बातों से नहीं चलेगा, कुछ करो भी, कुछ प्रूफ भी करो, ग्राउंड रियलिटी भी कोई एविडेंस लेकर आओ। तो ये मुसलमान ही है जिन्होंने कन्वर्ट भी किया इस बातों को। तो बातों बातों में ना इन्होंने ज़मीन का साइज़, ज़मीन से चांद कितनी दूर है, ज़मीन से सूरज कितनी दूर है, ये लॉजिक्स के ज़रिए इन्होंने बताया, और बाद में साइंस से वो प्रूफ भी हो गया, मज़े ही बात। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो समुंदर का पानी है, ये बॉल के जो चिपका हुआ है, ये क्यों चिपका हुआ है, क्योंकि मैग्नेट है, ये अर्थ मैग्नेट है, उसने पानी को चिपका के रखा हुआ है, वरना तो पानी ऊपर उठ जाए, ऊपर उठ के कहीं चला जाए, नहीं जा रहा। लेकिन बीच में बॉल है, स्पेस में लटका हुआ है बॉल, और पानी उसमें चिपका हुआ है, पत्थर उसमें चिपके हुए हैं, पत्थर को छोड़ो तो नीचे जाता है, चपक जाता है ज़मीन में जाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ एक अगर मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट ऐसा है जो पत्थर को, लोहे को, पानी को, हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है, जो जो चीज़ इस दुनिया में मौजूद है सबको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हमने ये लॉजिक देखा कि रियल लाइफ में लॉजिक कहाँ पे होती है। ठीक है, कि अच्छा वेल, अब प्रोग्रामिंग के अंदर जो लॉजिक है ना, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। थोड़ी सी मुख्तलिफ का मतलब ये है, ये तो मैंने आपको जो फील्ड ऑफ स्टडी थी ना, एक लॉजिक एक फील्ड ऑफ स्टडी है, ये मैंने पूरी फील्ड ऑफ स्टडी का आपको एक ओवरव्यू दिया है कि ये क्या है क्या, और मिसाल के साथ दिया है। लेकिन ये जो लॉजिक है जो प्रोग्रामिंग में होती है, ये जो है ना, समझ जाए उसका एक वरक है ऊपर का बस। ठीक है, इतनी खास, इतनी ज़्यादा गहरी लॉजिक नहीं है ये। अच्छा, तो अब ये जो लॉजिक है ना, इसकी एक टेबल है, सही है। अच्छा, लॉजिक्स में भी यही होता है ना कि अगर ज़मीन मैग्नेट है तो ये मैग्नेट हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है, या तो मैग्नेट है ही नहीं। तो ये एक टेबल बन गया, एक रूल सेट कर लिया मैंने ये, कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना ही चाहिए। अगर फला चीज़ इस तरह से है तो उसके एज अ रिज़ल्ट एक दूसरी चीज़ ऐसी होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ वो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो एक टेबल बन गया ये, एक रूल सेट हो गया। तो हमारे पास ना प्रोग्रामिंग के अंदर जस्ट एक टेबल है, बस एक ही टेबल है,
वही बस प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग में लॉजिक बहुत ज़्यादा शामिल नहीं है, थोड़ी सी शामिल है बस, एक टेबल है, वो टेबल आप समझ लेंगे, आपको ज़्यादा लॉजिक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, फील्ड ऑफ स्टडी को आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो टेबल मैं आपको जो है ना यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि वो क्या है। दैट टेबल इज़ कॉल्ड ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल क्यों नाम है उसका? क्योंकि वो लॉजिकल टेबल है। वो ट्रूथ टेबल उसका नाम इस वजह से है, हमने तीन तरह के ट्रूथ देखे, फिर हमने देखा उसको प्रूव करने का तरीका क्या है, तो वो ट्रूथ टेबल इसीलिए उसका नाम है। मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ के कुछ लोग बैठे हुए होंगे यहाँ पे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ट्रूथ टेबल, कभी ज़िंदगी में ख्याल आया जहन में कि इसको ट्रूथ टेबल क्यों कहते हैं, ये क्या बकवास है? आज शायद वो थोड़ी सी बात समझ आ गई होगी कि इसको ट्रूथ टेबल कहते क्यों यहाँ पे। तो खैर, अच्छा, मेरा प्रॉब्लम असल में यही है, मेरे सामने जब कोई किसी ने कह दिया ना ये ट्रूथ टेबल है, तो मेरा बस सुई मेरी वहीं अटक जाएगी, ये ट्रूथ क्यों है, फिर मैं उसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ तो थोड़ी बातें पता चल जाती हैं, फिर मैं वो बाद में शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। मैंने कहा भाई टेबल तो समझेंगे बाद में, पहले ये ट्रूथ को एक्सप्लोर करेंगे कि है क्या ये लॉजिकल। अच्छा, ये मैंने एक हेडिंग लगा दी इसमें, लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर मैंने लगा दिया लॉजिकल एंड ट्रूथ टेबल। अच्छा, इस टेबल में क्या होता है भाई? इस टेबल में ये होता है, एक ऑपरेटर होता है एंड करके, ठीक है, दो एम परसेंट लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, इसी तरह ये ऑपरेटर है, दिस इज बाइनरी ऑपरेटर, दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं इसको। मिसाल के तौर पे एक तरफ क्या चाहिए होता है? ट्रू, दूसरी तरफ भी चाहिए होता है ट्रू, यानी कि बूलियन चाहिए होता है, यानी कि क्या चाहिए होता है? बूलियन चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, एक तरफ बूलियन चाहिए, दूसरी तरफ बूलियन चाहिए, बूलियन के अलावा इसको कोई बात समझ में नहीं आती, बूलियन के अलावा अगर आप कुछ देंगे तो ये क्या करेगा? क्या उसको ये बूलियन में कन्वर्ट कर लेगा? नहीं करेगा, सही है। बूलियन के अलावा कुछ देंगे तो क्या करेगा, वो भी देखते हैं, लेकिन अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसको क्या मिल रहा है, हर दफ़ा बूलियन ही इसको मिल रहा है। अच्छा, तो एक तरफ ट्रू, दूसरी तरफ ट्रू, तो ये ट्रू बनेगा, ठीक है, कि भाई अगर ज़मीन मैग्नेट भी है और पानी नीचे भी जा रहा है तो इसका मतलब है तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो भी ट्रू है। अगर तीसरी बात आप नहीं मान रहे ट्रू, तो फिर इन दोनों को पहले को फॉल्स करो, फिर तीसरे मेरी बात को भी कह देना कि यार ये भी फॉल्स है। समझ रहे हो ना बात? मैंने जो एग्जांपल दी थी उस पर पूरी तरह उतर रहा है ना ये, यही कहा था ना मैंने एग्जैक्टली, मैंने कहा था कि अगर ज़मीन पे, ज़मीन एक मैग्नेट है, ऐसा एस्टेब्लिश हो चुका है, ऐसा सब लोग मान रहे हैं, प्रूव हो चुका है, और मैं पानी को नीचे जब छोड़ता हूँ तो पानी उस मैग्नेट में चिपक जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा मैग्नेट है कि ये पानी और लकड़ी सबको अट्रैक्ट करता है, तो मेरी बात भी ट्रू है, मेरी बात भी क्या है, लास्ट में ट्रू साबित हुई है। अगर आप मेरी बात को बोल रहे हो कि नहीं ये ट्रू नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, इसको भी आप करो ना, इसको भी फॉल्स साबित करना पड़ेगा आपको, ये फॉल्स साबित करना पड़ेगा कि ज़मीन मैग्नेट नहीं है, या आपको ये फॉल्स साबित करना पड़ेगा कि पानी जब मैं छोड़ता हूँ तो नीचे नहीं जाता, इन दोनों को फॉल्स साबित करोगे जब मेरी बात फॉल्स होगी, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रूथ टेबल। अच्छा, तो अब इसकी अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी? अभी तो दोनों तरफ ट्रू मिला उसको ऑपरेटर को, अगली तरफ क्या मिलेगा कि एक हो सकता है ट्रू मिल जाए, दूसरा उसको जो है वो फॉल्स मिल जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? मेरी बात फॉल्स हो गई, ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरी बात फॉल्स है, मिसाल के तौर पर इसमें कि ज़मीन मैग्नेट तो है लेकिन पानी छोड़ता हूँ तो नीचे नहीं गिरता, वो ऊपर चले जाता है कुछ केसेस में, तो मैंने कहा ठीक है भाई मेरी बात भी फॉल्स है, ये मैग्नेट जो है वो नहीं अट्रैक्ट करता पानी को, मैंने मान लिया। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक तरफ फॉल्स हो जाए दूसरी तरफ ट्रू हो जाए, ठीक है, मतलब पानी तो नीचे जा रहा है लेकिन मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ज़मीन मैग्नेट नहीं है। ज़मीन क्या मैग्नेट है?
नहीं है नहीं मतलब कॉन्फिडेंस से बोलो, साइंस क्या मानती है इस वक्त? साइंस ये मानती है कि जमीन मैग्नेट है, बहुत बड़ा सा मैग्नेट है, और ये मैग्नेटिविटी इसमें आई कैसे? गोल गोल घूमने की वजह से, या इसके पास जब ये कुछ किसी सितारे से बिग बैंग से हुआ होगा तो वो एनर्जी है जो कभी ख़त्म भी शायद हो जाए मे बी। इस तरह की कुछ आइडियाज़ हैं साइंस के जो इस्टेब्लिश हैं अमंग साइंटिस्ट। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार ये ना बेवकूफ़ बना रहा है आपको नासा, ये असल में ना हम, यानी ये आइंस्टाइन ने शायद ये थ्योरी दी थी कि अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, लिफ्ट में, मिसाल एक लिफ्ट है उसमें आपको बंद कर दिया जाए, अच्छा, और वो लिफ्ट जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ना वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो जाहिर आप कोई चीज़ छोड़ेंगे तो वो नीचे जाएगी, तो 9.8 की रफ्तार से ऊपर जा रही है और आपको एक ऐसे कमरे में बंद किया जाए जिसमें 9.8 का मैग्नेट लगा हुआ है नीचे, तो आप उस कमरे के अंदर बैठ के ना ये प्रूव नहीं कर सकते कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप उस कमरे के अंदर बैठ के, आपको बाहर आके देखना पड़ेगा कि क्या है। उस कमरे के अंदर बैठ के आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या मेरे नीचे मैग्नेट लगा हुआ है, ये कमरे के अंदर बैठ के आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको मानते हैं कि यार ये असल में डेंसिटी की वजह से, ये ग्रेविटी है ही नहीं दरअसल, जो फ्लैट अर्थ वाले हैं वो लोग ज़्यादा अक्सरियत है जो कहते हैं कि ये मैग्नेट नहीं है, ठीक है। फ्लैट अर्थ पता है ना, एक फ्लैट अर्थ मूवमेंट है, वो कहते हैं कि ये नासा बेवकूफ़ बना रहा है, ये कोई बॉल बॉल नहीं है हमारा, ये हम फ्लैट अर्थ है हमारा, और इसमें जो है ना वो सूरज ऐसे एक तरफ से निकलता, सूरज यूँ घूम रहा है और ज़मीन रुकी हुई है, सूरज घूम रहा है उसके गिर, मतलब इस तरह के आइडियाज़ कुछ लोगों ने निकाले हुए हैं। बहरहाल वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लोग उसको मानते नहीं हैं, वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने कुछ अपने एविडेंस भी इकट्ठे किए हुए हैं, आप उनको सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सही बोल रहा है लेकिन दरअसल उसकी कोई हकीकत नहीं होती, वो ऐसे ही उन्होंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। तो कुछ लोगों ने इसको भी फॉल्स किया हुआ है कि नहीं यार अर्थ असल में मैग्नेट नहीं है, ठीक है, लेकिन साइंस यही मानती है कि मैग्नेट है, साइंस मानती है नॉर्थ साउथ पोल है, साइंस जब अगर मैग्नेट नहीं होता तो वो कंपास काम नहीं करता, कंपास का भी खुद बनाया है किसी ने, कैसे कैसे मैग्नेट है? बिल्कुल सही कहा तुमने, कोई भी मैग्नेट हो ना अगर उसको दरमियान से धागा बांध दो उसमें और यूँ लटकाओगे ना तो वो मैग्नेट ऐसा नहीं होगा, पूरा नहीं घूमेगा, वो ऐसे हो गया ना वो एक ओरिएंटेशन में खड़ा हो जाएगा, ऐसे जगह मतलब चेंज करोगे ना उसको अगर हाथ से घुमाओगे भी तो वो घूम के वापस वहीं आ जाता है, क्योंकि मैग्नेट है ना नीचे वो रिपल करता है मैग्नेट। तो असल में कंपास क्या होता है? यही होता है, कंपास के अंदर एक छोटा सा मैग्नेट होता है और अर्थ एक बड़ा मैग्नेट है, वो दोनों आपस में रिपल करके ना वो एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं और आप जब घूमते हो तो वो साथ साथ जो है वो मूव करता है आपके, ठीक है। यही वजह है कि कंपास कोई सा भी हो, चाहे मोबाइल फ़ोन का हो चाहे वो एनालॉग हो, उसके नीचे अगर आप मैग्नेट लगाएंगे ना तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि एक तो अर्थ से भी रिपल कर रहा है, एक आपने और भी लगा दिया नीचे तो वो ऐसे से घूमना शुरू कर देता है, करके देखिएगा अभी। तो कंपास बनाना बहुत ईजी है, धागे से किसी भी मैग्नेट को बांध के लटकाओ वो खुद ही अपनी जगह पर आ जाएगा घूम के, ठीक है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ है, अदरवाइज कंपास तो वो बन गया लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा नॉर्थ साउथ कौन सा है, ठीक है। बाय द वे, जो लैब में कंपास होता है ना इतना लंबा सा जो मैग्नेट होता है, अगर उसका वो नॉर्थ साउथ पोल मिटा दिया जाए तो उसको दोबारा पता लगाने का क्या तरीका है? यही है कि मैं मोबाइल में देखूंगा साउथ किधर है नॉर्थ किधर है और फिर मैं उसको धागे से बांध के लटकाऊंगा, जिस तरफ जो पोल जा रहा है मैं उसको दोबारा मार्कर लगा दूंगा कि ये वाला है, ठीक है। तो दोबारा भी पता इस तरह लगाया जा सकता है। वेल, तो मैंने अर्थ को, अर्थ के मैग्नेट को फॉल्स करा दिया। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ही फॉल्स हो जाएं, तो फिर ये लास्ट वाला तो वैसे ही फॉल्स है मेरा। तो ये ट्रूथ टेबल है, इसमें चार के अलावा कोई पांचवी पॉसिबिलिटी नहीं है। है कोई पांचवी पॉसिबिलिटी? नहीं है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल चाहिए हमें।
अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर इफ एल्स के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? इफ एल्स के साथ ही इस्तेमाल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बहुत कम ऐसी जगह होती हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर इफ एल्स के बगैर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो मैं जल्दी से एक इफ बना देता हूँ। अच्छा, इफ एल्स का मतलब है कि इफ एल्स या टर्नरी ऑपरेटर, ये जहाँ जहाँ कंडीशन लगाई जा सकती है। जैसे फॉर लूप के भी दरमियान में कंडीशन लगती है, वो हमने पढ़ी नहीं है अभी, वो देखेंगे। उसके दरमियान भी इफ वाली कंडीशन ही लग रही होती है असल में। तो जहाँ जहाँ कंडीशन यानी इफ वाली कंडीशन लग सकती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। मैं ऐसे शॉर्ट में इफ कह रहा हूँ, लेकिन इफ का मतलब है टर्नरी ऑपरेटर भी इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, तो मैंने लिया यूज़र इनपुट, मैंने कहा लेट यूज़र इनपुट, कोई इनपुट मिलेगा मुझे। अच्छा, मैंने अब इसको क्या बोला, मैं एक ऐसी ऐप बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या बोलूँगा कि वेदर प्लेजेंट है या नहीं है, कितने टेम्परेचर में वेदर प्लेजेंट होता है, अच्छा होता है, मज़े का होता है, हाँ 25 डिग्री, और सिर्फ 25 डिग्री, अगर 26 हो गया तो, या 24 हो गया तो, रेंज होगी कोई एक्चुअली, तो क्या रेंज है। अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए तो प्लेजेंट है, यानी उससे आगे हुआ तो फिर मसला है, 25 से आगे मसला है। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 27 तक भी सही रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ना अपने पास एक वहाँ पे वो लगाया हुआ है थर्मो रूम का जो टेम्परेचर होता है ना, क्या उसका नाम है, वो तो मैं वो देखता रहता हूँ कि मैं कितने टेम्परेचर पे मैं सही रहता हूँ, ये लगाया हुआ है मैंने चुनना सा, ये मुझे रूम का टेम्परेचर हर वक्त बताता रहता है कि मेरे रूम का टेम्परेचर इस वक्त क्या है, ठीक है। ये इंटरनेट से नहीं, छोटा सेल है ये, उससे बताता है, ये 400-500 में मिल भी जाता है, ठीक है। इसके चाइनीज़ बहुत सारे वेरियंट मौजूद हैं, तो मैं इसलिए मुझे पता है कि मैं 27 तक मैं सही रहता हूँ, ठीक है। 25 वो तो बहुत अच्छा है, मिनिमम मिनिमम कितने तक हो तो ओके है, बिल्कुल बेहतरीन है। अराउंड। अच्छा, मैं वैसे 18 डिग्री भी हो ना, मेरा जैकेट पहननी पड़ती है थोड़ी सी, मतलब 20 से नीचे नीचे मुझे जैकेट की ज़रूरत पड़ती है रूम के अंदर भी, या ब्लैंकेट या जो भी कह लो, लेकिन 18 तक जो है ना प्लेजेंट होता है। क्योंकि 18 डिग्री अगर हो, मेरा ऐसा मानना है कि 18 डिग्री अगर हो तो आप ना कोट वोट भी पहन सकते हैं, थोड़े जो एक दूसरे तरह के जो ड्रेसेस हैं वेस्ट वाले ड्रेसेस, वो आप 18 तक में बीजली पहन सकते हो। उससे अगर ऊपर हो ना, यानी 19 हो अगर या 20 हो, तो होती तो ठंड है, मज़ा तो आता है, लेकिन वो वाले ड्रेसेस नहीं पहन सकते आप, 18 में पहन सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 18 तक जो है वो मेरे लिए प्लेजेंट है। तो मैंने एक रेंज बनाई 18 से लेके 27, आप सबके लिए वो रेंज डिफरेंट हो सकती है थोड़ी बहुत। तो मैंने यूज़र से बोला कि भाई क्या मैं बोलूँगा आपको, आप करो एंटर योर रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब बंदे ने मिसाल के तौर पे कहा कि मेरे रूम का टेम्परेचर है 23, अब मुझे इसको चेक करना है कि इसके रूम का जो टेम्परेचर है वो प्लेजेंट है या नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, एंड का ऑपरेटर लगा सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? मैं एक लॉजिक दूंगा कि अगर अगर जो तुमने रूम का टेम्परेचर एंटर किया है, अगर वो 18 से बड़ा है, मैं ये नहीं देख रहा कि एग्जैक्टली क्या है वो, ना मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर वो 18 से बड़ा है और वो 27 से छोटा है तो प्लेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है, प्लेजेंट होना ही चाहिए, इसके दरमियान तो प्लेजेंट ही होता है, होना ही चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर क्या हो गया आपका टेम्परेचर यूज़र इनपुट अगर बड़ा है और सही है, बड़ा इक्वल लगा रहा हूँ मैं ताकि 18 को भी इंक्लूड कर लिए, ठीक है, 18 है, ठीक है। अब साथ में मैं क्या लगाऊंगा, एंड यूज़र इनपुट अगर छोटा है या इक्वल है 27 के, तो अगर इन दोनों
ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट आखिर में ट्रू होना चाहिए, वेदर प्लेजेंट होना ही चाहिए। अच्छा तो ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है पूरी, एक 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 एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, ये एक्सप्रेशन समझते हो ना, मैथ की जुबान में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो एक्सप्रेशन होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दी थी मैथ एक्सप्रेशन वाली तो वो देख लीजिएगा, उसमें ये बात मैंने डिटेल में डिस्कस की थी कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होता है। एक्सप्रेस जब कोई करता है ना एक इंजीनियर अपनी बात को मैथ की जुबान में और दूसरा इंजीनियर उसको पढ़ रहा हो, तो वो जो लिखी हुई बात होती है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये क्या मैंने लिख दिया है, एक्सप्रेशन लिख दिया। इस एक्सप्रेशन को जावास्क्रिप्ट सॉल्व कैसे करेगा, हाउ जावास्क्रिप्ट गोना सॉल्व दिस, बताओ कैसे। ये तो मैंने लिख दिया लेकिन मैं अब ये बता रहा हूँ कि ये चलेगा कैसे, दो मिनट में भेजता हूँ। प्रिसिडेंस होगी ऑपरेटर की, इसमें से किसी ऑपरेटर की प्रिसिडेंस ज्यादा होगी किसी की कम होगी, तीन ऑपरेटर है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, तीन ऑपरेटर है ये, ठीक है। तो प्रिसिडेंस मुझे पता है कि इसकी ज्यादा है, कैसे पता है, वो जो टेबल मैंने बताई थी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेगा, इसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया, सही है। ट्रू क्यों आया, क्योंकि 23 इस तरफ है ना, यूजर इनपुट 23 है, वो 18 है, तो 23 बड़ा है 18 छोटा है, तो ट्रू आ गया, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, ये भी ट्रू है क्योंकि 23 छोटा है और 27 बड़ा है, ये भी 23 है, तो सॉरी 23 नहीं, ट्रू ट्रू है। तो ट्रूथ टेबल के अंदर अगर ये दो चीज़ ट्रू है तो तीसरी क्या होनी चाहिए, तीसरी भी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, तो इसका पूरे का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा और इफ मेरा चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंसोल पे लिखा योर वेदर मस्ट बी प्लेजेंट, सही है, प्लेजेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, वेल छोड़ो स्पेलिंग मार में जाए। अच्छा तो अगर ये इफ चल जाता है इसका मतलब है वेदर मस्ट बी प्लेजेंट, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर ये वाला फॉल्स हो जाए, -10 अगर लिख दिया बंदे ने तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स होने की सूरत में अगला भी, अगला ट्रू हो या फॉल्स हो जो भी हो वो बाकी तीनों केसेस में फॉल्स ही है, तो दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो उस सूरत में एल्स भी एक चाहिए मुझे यहाँ पे, एल्स में क्या बोलूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग लुक्स लाइक योर वेदर इज नॉट प्लेजेंट, ठीक है। मैंने कहा लुक्स लाइक, लुक्स लाइक का मतलब है ये रेंज जो मैंने रेंज सेट की है कि किसी और के लिए डिफरेंट भी हो सकती है, इसलिए मैंने बोला लुक्स लाइक योर वेदर इज नॉट प्लेजेंट, ठीक है। अच्छा एक आखिरी बात फिर आप नमाज पढ़ने जाइएगा, ये जो मैंने लिखा है ना, एक फॉल्स बीच में ये ऑपरेटर और एक फॉल्स, इसमें इसका इसका मैक्सिमम क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पर 2+2 होता है ना, इसमें क्या मैं एक और आगे यहाँ पे प्लस लगा के 3 लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ ना, तो मैं इस वाले के अंदर भी जो मैंने ये बात लिखी हुई है इसमें मैं ऐसे एंड एंड करके ना एक और ट्रू भी लगा सकता हूँ, इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में भी ट्रूथ टेबल यही रहेगी, लेकिन चूंकि अब 3 वेरिएबल हो गए हैं तो अब 16 पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन 16 की 16 पॉसिबिलिटी में कोई एक ट्रू भी अगर बीच में फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स होगा, ठीक है। अब इसमें सारे ट्रू अगर ट्रू होंगे तो लास्ट में ट्रू है, बीच में कोई एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे कहा था कि अर्थ अगर मैग्नेट है और पानी नीचे जाता है तो मेरी बात ट्रू है, तो इसमें 3-4 भी हो सकते हैं कि अर्थ अगर मैग्नेट है पानी नीचे जाता है और बंदा कूदे तो भी नीचे आता है, तो इसका मतलब है कि बंदे को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा तो बहरहाल इसको अभी छोड़ दो, ये कंफ्यूज ना कर दे, अभी 2 तक ही रखना है फिलहाल, हम एक दो एक्सपेरिमेंट एक दो एग्जांपल करके देखेंगे इस 2 के साथ, फिर हम 3 भी ही करेंगे मे बी, क्योंकि पूरे कोर्स में हमें ये साथ साथ चलता रहेगा हमारे, ये लॉजिकल ऑपरेटर दिस इज फंडामेंटल ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने अभी तक देखी है तमाम लैंग्वेजेस में लॉजिकल ऑपरेटर होता है, तमाम लैंग्वेजेस में इफ एल्स होता है और इफ एल्स के साथ ये लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पाइथन, रस्ट,
कॉटलिन, स्विफ्ट, सब में ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और ये इसी तरह काम करते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह काम करते हैं। तो आप अगर ये फंडामेंटल, जैसे मैं शुरू में जिक्र किया था कि फंडामेंटल जो हैं वो तकरीबन सारी लैंग्वेजेस के सेम होते हैं, तो ये उनमें से एक है जो सब लैंग्वेज में सेम है। ये आपने पढ़ लिया, इसका मतलब है दुनिया की तमाम लैंग्वेज में आपने जो ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो समझ में आ गया आपके। ठीक है, अभी नमाज़ पढ़ने जाएँ आप, फिर वापस आके हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं फिर आगे और का ऑपरेटर पढ़ेंगे हम।